अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आमना और आप देख रहे हैं किचन विद आमना यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो स्पॉन्सर की गई है हायर की तरफ से। तो आज हमारे किचन में बन रहा है हायर प्रेजेंट चिकन पॉपकॉर्न पास्ता, बहुत ही मजे का, बहुत ही ज्यादा टेस्टी। तो आप ये बच्चों को जरूर बना के दें, बच्चे बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगे, लेकिन बच्चे ही नहीं बड़े भी बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगे। तो बहुत ही मजे का ये पास्ता बनने वाला है। तो सबसे पहले हमने पॉपकॉर्न रेडी करने हैं। तो पॉपकॉर्न रेडी करने के लिए हमें जो चीजें चाहिए, बोनलेस चिकन लेंगे हम 250 ग्राम। ये देखिए इस तरह छोटे छोटे क्यूब्स मैंने चिकन को काट लिया है। मैदा लेंगे हस्बे जरूरत कोटिंग करने के लिए। एक अदद अंडा लेंगे। पेपरिका पाउडर लेंगे 1 टीस्पून। लेमन जूस लेंगे 2 टेबलस्पून। लाल मिर्च का पाउडर लेंगे 1 टीस्पून। काली मिर्च का पाउडर लेंगे 1 टीस्पून। नमक लेंगे 1 टीस्पून, अपने टेस्ट के मुताबिक आप ज्यादा कम कर सकते हैं। अदरक पाउडर लेंगे 1/2 टीस्पून। लहसुन पाउडर लेंगे 1/2 टीस्पून। अगर आपके पास अदरक लहसुन का पाउडर नहीं है तो 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दें। और कॉर्नफ्लोर लेंगे हम यहाँ पे 2 टेबलस्पून। तो ये चीजें चाहिए हमें चिकन पॉपकॉर्न बनाने के लिए। तो अब चिकन को हम मैरिनेट करेंगे। सबसे पहले हम बाउल में डालेंगे चिकन और इसमें लगाएंगे हम लेमन जूस, साथ ही हम इसमें डाल देंगे नमक, पेपरिका पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, अदरक पाउडर, लहसुन पाउडर, काली मिर्च का पाउडर। तो अब इनको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। तो ये देखें चिकन को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हमने इसको साइड पे करने, एक प्लेट लेंगे, इसमें डाल देंगे हम मैदा और इसमें डाल देंगे हम कॉर्नफ्लोर और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हाथ से कर लें या चम्मच से कर लें। तो ये देखें ये मिक्स हो गया। अब हमने क्या करना है, दूसरे बर्तन में अंडे को फेंट लेना है। अंडे को फेंट के हम चिकन पे लगा देंगे, मिक्स करेंगे, हो गया। अब हमने मैदे और कॉर्नफ्लोर का कोट करना है चिकन पे, एक एक पीस पकड़ना है और इस पर कोट करते जाना है। इस तरह कोट करते जाएंगे और प्लेट पे रखते जाएंगे। ये देखें इसी तरह हम सारे कर लेंगे। तो ये सारे रेडी हैं। अब इनको हम फ्राई कर लेंगे, फ्लेम ऑन करेंगे। हायर की इस होम में है फ्लेम फेलियर डिवाइस, जो गैस की लीकी से बचाती है, जिससे आप और आपकी फैमिली महफूज रहते हैं। तो अब हम एक बर्तन ले लेंगे, ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। ऑयल गर्म हो चुका है तो अब इसमें हम डालते जाएंगे और फ्राई करते जाएंगे। तो बस इनको हमने गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। तो ये देखें, तो ये यहाँ पे फ्राई हो रहे हैं। तो ये देखिए चिकन पॉपकॉर्न्स जो हैं हमारे फ्राई हो चुके हैं। इनको हम पेपर टॉवल पे निकाल लेंगे। और इसी तरह हम बाकी के कर लेंगे। तो ये देखिए सारे फ्राई हो चुके हैं, इनको हम कर देंगे साइड पे। और जो पास्ता बनाने के लिए हमें जो चीजें चाहिए, पास्ता लिया है मैंने 2 कप, जिसको मैंने खुले पानी में नमक और ऑयल थोड़ा सा डाल के 8 मिनट के लिए बॉईल कर लिया। तो ये उबला हुआ पास्ता है। केचप लेंगे हम 1/2 कप। शिमला मिर्च लेंगे हम हस्बे जरूरत, मैंने रेड वाली भी ली है, ग्रीन वाली भी ली है और येलो वाली भी ली है। काली मिर्च का पाउडर लेंगे 1/2 टीस्पून। लहसुन के 2 जवे लेंगे, जिसको मैंने थोड़ा थोड़ा काट लिया। टोमाटो पेस्ट लेंगे यहाँ पे 2 टेबल स्पून। सफेद मिर्च का पाउडर लेंगे 1/2 टीस्पून। अगर आपको सफेद मिर्च का पाउडर नहीं पसंद तो आप काली मिर्च का पाउडर ही डाल सकते हैं। नमक लेंगे यहाँ पे हम 1/2 टीस्पून। तो अगर आपको टोमेटो पेस्ट नहीं मिल रहा तो आप सिर्फ केचप भी डाल सकते हैं। और अगर आपको रेड और येलो कलर की शिमला मिर्च नहीं मिल रही तो आप बताओ क्या करें, आप रेड की जगह टमाटर डाल दें और येलो की जगह प्याज डाल दें। तो चलिए आप स्टार्ट करते हैं। एक बर्तन लेंगे, इसमें हम डाल देंगे 4 टेबलस्पून ऑयल, साथ इसमें डाल देंगे लहसुन। हल्का सा इसको हम फ्राई करेंगे, हो गया फ्राई। और इसमें हम डाल देंगे शिमला मिर्चें। इनको भी हमने हल्का सा फ्राई करना है। तो ये देखिए शिमला मिर्चें फ्राई हो गई हैं। तो अब इसमें हम डाल देंगे टमाटो पेस्ट। और थोड़ा सा पानी और मिक्स करेंगे। फ्लेम मीडियम है इस टाइम।
शिमला मिर्च को हमने ज़्यादा कुक नहीं करना, तो इसमें हम डाल देंगे काली मिर्च का पाउडर, सफ़ेद मिर्च का पाउडर, नमक और तकरीबन 1/4 कप पानी फिर से डालेंगे और इसमें डाल देंगे ये चिकन जो हमने फ्राई किए थे पॉपकॉर्न। अच्छे से मिक्स करेंगे और अब इसमें हम डाल देंगे टोमेटो केचप और इसमें जाएगा ये पास्ता बॉयल किया हुआ। फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे इस टाइम और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया। अब इसको हम कवर कर देंगे और रख देंगे दम पे 5 मिनट के लिए। पांच मिनट हो चुके हैं, फ्लेम ऑफ करेंगे। तो ये देखें जबरदस्त सा हमारा चिकन पॉपकॉर्न पास्ता रेडी है। तो अब इसको हम डिश आउट करेंगे। तो तैयार है हमारा हायर प्रेजेंट चिकन पॉपकॉर्न पास्ता। बहुत ही जबरदस्त लग रहा है, बहुत ही यमी यमी भूख लग रही है देख के। तो आप ये रेसिपी जरूर ट्राई करें और इस वीडियो के नीचे कमेंट्स करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो अगर आपको ये हायर प्रेजेंट चिकन पॉपकॉर्न पास्ते की रेसिपी अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें और अगर आप ये रेसिपी ट्राई करके इसकी पिक्चर मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे आप कर सकते हैं। तो ये रहा मेरा इंस्टाग्राम और इस बटन पे क्लिक करके किचन विद आमना चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बटन पे क्लिक करके लाफ विद आमना चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा क्योंकि इससे आने वाली मेरी हर रेसिपी और हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। अल्लाह हाफिज़।